गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम और भी आगे थोड़े बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिपीट करता हूं कि ये ऐसे न्यूमेरिकल्स है कि जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का मिक्सचर होने वाला है, और थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल्स ऐसे है कि जिसके अंदर चैप्टर 4 के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो देखते हैं बच्चों क्या बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसका मास 5 kg है, और ध्यान से सुनना, आप दो फोर्स पे काम कर रहे हो अभी, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। बोथ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज हम इसको F1 बोल दे तो ये F2 हुआ। आप डायग्राम पे से देख सकते हो कि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, तो बच्चों हमें रिजल्टेंट फोर्स देखना पड़ेगा। तो याद करो मैंने कुछ सिखाया था रिजल्टेंट फोर्स का, जब भी बात करेंगे और दोनों के बीच में कोई एंगल होगा तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2f1f2 cos थीटा। अंडर रिपीट, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2f1f2 cos थीटा। और बच्चों अगर हम लोग इसके साथ सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आया 6 का स्क्वायर, ये आया 8 का स्क्वायर, 6 8, बट दोस्तों cos 90 हो जाएगा। ये थीटा इज इक्वल टू 90, वी ऑल नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी ये चला गया। तो सीधी सी बात हुई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 10। बच्चों फोर्स हमें मिल गया, हमें चाहिए, सॉरी हाँ फोर्स मिल गया हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो सर उसके लिए हम सब फॉर्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू मास। चलो यही चीज से आप खुद अप्लाई करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स 10, मास 5, यानी ये हुआ 2 m/s। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, कोई टेंशन की बात नहीं थी, सिंपल हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, हमें मिल गया। अब बच्चों मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई आपको डायरेक्शन भी पूछे, यानी ये कितना एंगल हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। 6, ये 6 है, ये 6 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, तो 6/8 यानी आप कट करो तो 3/4 यानी 0.75। बच्चों तो याद रखना, ये एंगल की बात हुई, तो अगर कोई लिखे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.45 किससे, 8 न्यूटन से। हमने जो एंगल बनाया वो किससे बनाया, 8 न्यूटन से, तो वो भी सही बात है और सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन, बहुत ही बढ़िया, डायग्राम जितना क्लियर न्यूमेरिकल इतना ही अच्छा। आगे बढ़ते, आपको एक बोल दिए इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, उसको सिंप्लीफाई करो, किलोमीटर पर आवर है, नहीं चलेगा, इन 2000 डिवाइड बाय 3600, यानी ये आ गया 10 m/s। एक ड्राइवर है वो कार को चला रहा है या फिर ट्रक को चला रहा है, एक लड़के को देख रहा है, वो लड़का खड़ा हुआ है तो ब्रेक मारता है स्टॉप करता है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन नहीं, माइनस ए लिखना पड़ेगा। और बोला क्या है कि ड्राइवर उसको स्टॉप करता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई दोस्तों, 0। कितना टाइम लेता है, टाइम दिया है 4 सेकेंड। बोलो ये सारी चीज देख के आपके माइंड में चैप्टर नंबर 3 आ गया, क्या था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन माइनस ये 4। तो इस साइड ले जाओ तो 4a इज इक्वल टू 10, यानी a इज इक्वल टू 10/4, यानी 2.5 m/s². तो देख सकते हो बच्चों हमारे सामने एक्सेलरेशन हो गया। फिर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एफ इज इक्वल टू मास।
ए की वैल्यू लिख दी 10/4, पर मास 400 लिख के सब लोग गलती करेंगे। बच्चों याद रखना, ट्रक के अंदर ही ड्राइवर बैठा हुआ है, इसका मतलब ट्रक का मास दिया है 400, ड्राइवर का मास 65। तो बच्चों गलती मत करना, टोटल मास इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, क्योंकि ड्राइवर ट्रक के अंदर है दोस्तों, इसलिए 400 प्लस 65 यानी 465 kg। बोलो मजा आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 465, सारे सिंप्लीफाई करोगे 1162.5, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। दोस्तों आपके सारे आंसर फटाफट आ रहे हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, कैसे यूज करना है वो पता है, तो आपके न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक रॉकेट है, रॉकेट का मास इतना है। अब एक मस्त वर्ड बोल रहा हूं, अगर रॉकेट अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, माइंड में फिक्स करो अप जा रहा है, तो सीधी सी बात है P इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आप सब जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर वेट फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड्स होगा, कहां पे होगा डाउनवर्ड्स, रिपीट कहां पे होगा डाउनवर्ड्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी फोर्स नीचे लगता है, जिसको मैं F1 बोलू, F1 इज इक्वल टू मास। बच्चों माइंड में सेट रखना, अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा फोर्स पीछे लगेगा, मैं पीछे जा रहा हूं तो मेरा फोर्स आगे, ये इमेजिनरी फोर्स होता है जिसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो माइंड में सेट करो, अब जाओगे तो प्लस होगा, अब जाओगे तो प्लस होगा। चलो दोस्तों दोनों में से एम कॉमन, जी प्लस है, एम की वैल्यू 2 × 10⁴, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 लेते हैं और अपना एक्सेलरेशन 2 है जो हमें दिया हुआ है। सॉरी यहां पे डेटा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे डेटा में हमें 5 दिया हुआ है। तो बच्चों हुआ क्या कि सर ये 15 हो जाएगा, 2 × 10⁴ ये हो गया 15, यानी 30 × 10⁴ यानी 3 × 10⁵ न्यूटन। तो फाइनली 3 × 10⁹ 10⁵ न्यूटन इतना फोर्स लगा। आप सब लोग माइंड में रखना, इतना फोर्स लगा। तो देख सकते हो कि आपके पास 9 नंबर का न्यूमेरिकल भी रेडी हो गया। तो फिर से दोस्तों अपवर्ड जाओगे तो प्लस, उल्टा पूछूं कि अगर यही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, खुद ट्राई करना, समझना तो ही समझना। सबसे आईएमपी न्यूमेरिकल आपको समझना प्रैक्टिकली है कि आपको एक ट्रक दिया है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं एक ट्रक को, रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कोई इंडिया के अंदर ट्रक नहीं है पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कोई ट्रक है, ऐसा कोई ट्रक हमने कंसीडर कर लिया। और ट्रक यहां पे इनिशियल बेस पे स्टेबल है, इनिशियल बेस पे स्टेबल है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्तों, जीरो। उस पे इसका एक्सेलरेशन यानी अब वो आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन जा रहा है 2 m/s² दोस्तों। मैं इसको एक्स कंपोनेंट ले लू, पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, और 10 सेकेंड के बाद तो बच्चों मेरे पास वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 फॉर्मूला हो गया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सब जगह पे x लिख दू। आप सब जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ये निकल गया, तो vx इज इक्वल टू ax इंटू t। बोलो बच्चों x की वैल्यू 2, टाइम दे दिया है 10, यानी हमारे पास 20 m/s। फाइनली vx इज इक्वल टू 20 m/s। बोलो बच्चों आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब बात ट्विस्ट की हुई कि इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक स्टोन है और वो स्टोन को वो नीचे फेंक रहा है। तो सर जब भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकते हो, फ्री फॉल करते हो, इसका मतलब अब मेरे को y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जब भी मैं y डायरेक्शन में जाता हूं तो ग्रेविटेशनल ही एक्सेलरेशन हो जाएगा,
यानी उसको मैं 9.8 लिख दूं या फिर 10। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यानी ये था मेरा जीरो, पर सब लोग नोट डाउन करो टाइम कितना है, 11 सेकेंड। 90% बच्चे गलती कर देंगे, 11 सेकेंड लिख देखे, पर नहीं दोस्तों, 11 माइनस 10 यानी 1 सेकेंड। क्योंकि आप सोचो वर्टिकली सोचना है, 10 सेकेंड ऐसी है, 11 सेकेंड ऐसी है। रिपीट, ध्यान से देखो बच्चों, ये 11 सेकेंड, यानी उसको वर्टिकली आने में 11 सेकेंड लगे, यहां पे जाने में उसको लगे 10 सेकेंड। तो बेटा वर्टिकली इतना पोर्शन 1 सेकेंड ही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यानी ये हुआ 1 सेकेंड। अगर मैं अब इंप्लीमेंट करता हूं तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, y कंपोनेंट। बोलो तो vy फाइंड करना है बच्चों, vy वैसा का वैसा ये कट हो जाएगा, इसकी जगह पे आप 10 लिख दो, ये 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो दोस्तों आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों रेडी है, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, यानी आप देख सकते हो कि मेरा आंसर रेडी होने वाला है 22.4 मीटर पर सेकेंड। बोलो मजा आ गया, आपको वेलोसिटी मिल गई। कोई बोले और आगे सर, तो और आगे जाना है बच्चों, तो tan थीटा अप्लाई करो, तो tan थीटा मतलब y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 10 है, x कंपोनेंट 20 है, यानी 1/2 यानी 0.5। अब सीधी सी बात है, जैसे ही आपको 0.5 मिल गया तो आप थीटा अपने आप फाइंड कर सकते हो कितना डिग्री होगा। और लास्ट चीज, अगर कोई आपको बोले कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो मैं फिर से लिखता हूं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये न्यूमेरिकल है उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड से, रिपीट, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, यानी उसका vx अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी ये जीरो हो गया, यानी ay बचा, यानी 9.8 या फिर 10। तो बच्चों इसको पक्का ही कर दो ना, जब भी आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बोला हो तो सिर्फ ग्रेविटेशनल ही एक्सेलरेशन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देख सकते हो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको परफेक्टली लिखना है। तो एक बार ध्यान से देख लो, और प्लीज इसको 2-3 बार अपनी नोटबुक में उतार दो मेरे प्यारे दोस्तों, और हो सके तो जो एक्सरसाइज का 11 नंबर का न्यूमेरिकल है वो बहुत ही बढ़िया है, मोस्ट आईएमपी, तो उसको एक दो बार लिख दो प्यारे दोस्तों।